हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुंवर मोबाइल टेक्निकल। फ्रेंड, आज हमारे पास है सैमसंग का J6 J600G मॉडल और इसमें FRP यानी गूगल अकाउंट लॉक है और ये एंड्रॉयड वर्जन 10 पर रन कर रहा है और हम इसे अनलॉक करेंगे सैमसंग के Z3X प्रो बॉक्स से। आप देख सकते हैं पीछे हमारा बॉक्स कनेक्ट है। तो इसमें फर्स्ट हमको मैं फर्स्ट अभी आपको चेक करा देता हूँ इसमें कि FRP लॉक है या नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चेक लगाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, ओके। और यहाँ देख सकते हैं स्किप का जो ऑप्शन है ना वो हाइड है, ठीक है, तो हमारा स्किप हो नहीं रहा है। यहाँ पे वाईफाई वगैरह कनेक्ट नहीं करना है, बैक आ जाना है और यहाँ इमरजेंसी पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे *#0*# डायल करेंगे और हम आप देख सकते हैं आप कुछ इस तरह के इंटरफेस पे आ जाएंगे और हम अपना USB डाटा केबल कनेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। पहले *#0*# डायल करने के बाद ही USB डाटा केबल हमें कनेक्ट करना है। आप देख सकते हैं Z3X का सैमसंग का टूल प्रो हमारा ओपन है और यहाँ पे हम मॉडल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सैमसंग J00G मतलब J600G यहाँ पे, उसके बाद ओके करेंगे इस पर और आप देख सकते हैं हम अनलॉक वाले टैब पे आएंगे और अनलॉक वाले टैब पे आने के बाद आप देख सकते हैं सबसे नीचे रीसेट FRP अप्रैल 2022 ये है ना, इस पर क्लिक कर देना है सिंपल। और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा मॉडेम डिटेक्ट हो गया है COM9 और ये मतलब ये क्लिक करने के बाद बस जस्ट वन क्लिक करिए तुरंत FRP बाईपास आपका काम शुरू कर देता है ये। और आप देख सकते हैं पिछले मतलब कई महीनों से इसमें अपडेट भी अच्छा आया है और मॉडल तो इसमें कई सारे ऐड हुए हैं। और यहाँ देख सकते हैं *#0* डायल करने के लिए बोल रहा है, तो हमने पहले ही डायल कर रखा है तो अब क्या करेंगे, हमें ओके कर देना है, ठीक है। ये हमने ओके किया और आप देख सकते हैं इनेबल हो रहा है, ADB हमारा इनेबल हो गया ना। अब इस पर चेक लगाना है, हमें मोबाइल की तरफ आना है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे बॉक्स पे चेक लगाएंगे यहाँ और अलाउ कर देंगे परमिशन, ठीक है। और आप देख सकते हैं जैसे ही हमने अलाउ किया हमारा FRP डन हो गया और हमारा सेट रिबूट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ डन हो गया ना और यहाँ देखिए रिबूट हो गया। अब रिबूट होने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा ऑन होने में, तब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहे तो ज़रूर लाइक करें वीडियो को और कोई भी प्रॉब्लम होती है फ्रेंड तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बाईपास करने में या अनलॉक करने में। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ परमिशन है, मैं सारे परमिशन जो भी परमिशन हो मैं अलाउ करना है। यहाँ होम ऐप है, एक होम ऐप पे सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ स्क्रॉल करके ऊपर ओके करेंगे और यहाँ डन कर देंगे, ठीक है। अब डन करने के बाद कुछ इस तरह से डिस्प्ले पे होने लगता है फ्रेंड, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, स्क्रॉल करके ऊपर से हमने सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। यहाँ होगा नहीं जल्दी, फिर भी क्लिक करते रहना हो जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं जनरल मैनेजमेंट, इस पर क्लिक करेंगे सेटिंग में आके रीसेट करेंगे और पूरा फैक्ट्री डाटा ऑल रीसेट हमें कर देना है, ठीक है। फिर से इस पर रीसेट कर देंगे और डिलीट ऑल, और जैसे ही डिलीट ऑल करेंगे हमारा सेट रिबूट हो जाएगा और ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उतना टाइम हमें देना है। और यहाँ पे अब इरेजिंग होगा, आप देख सकते हैं अब हम अपना डाटा केबल अनप्लग कर देंगे। फ्रेंड, कई सारे फ्री टूल भी हैं जो इसको अनलॉक कर सकते हैं, मैं आगे वो भी वीडियो आपके लिए लाऊंगा, बट फर्स्ट मुझे Z3X पे एक वीडियो लाना था तो मैंने सोचा कि यही बेस्ट रहेगा, फर्स्ट वीडियो J6 से शुरू करते हैं। और इंस्टॉलिंग एप्लीकेशन यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है इंस्टॉल होने में,
और अब आप देख सकते हैं हमारा सेट ऑन हो गया। यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का भी ऑप्शन शो हो गया है, यानी हमारा FRP लॉक ख़त्म है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि स्किप का ऑप्शन हमारा इनेबल हो गया होगा। अभी हाइड था ना, अब शो करेगा। ये देख सकते हैं आप, ब्लू कलर का शो कर रहा है। स्किप पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए आगे बढ़ गया ना। अब हमारा बाईपास कंप्लीट है यहाँ पे, मतलब अनलॉक हमारा कंप्लीट है। और हमें सिंपली अपना सेटअप करते जाना है, स्किप और अलाउ। स्किप स्किप फिनिश, यहाँ पे फिनिश हो गया ना। हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसको चलाने में। आप देख सकते हैं स्क्रॉल करके ओके करेंगे और यहाँ पे डन कर देंगे। और मैं आपको इसका मॉडल भी चेक करा देता हूँ और एंड्रॉयड वर्ज़न, जो कि बहुत ज़रूरी है, मैं आपको चेक कराता हूँ। सेटिंग, ये रहा सेटिंग। और अबाउट में आएंगे, ये आप देख सकते हैं सैमसंग J6 और एंड्रॉयड वर्ज़न 10, ठीक है। तो फ्रेंड, फिर मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।